क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। इसमें कह दिया सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस नीड टू बी टाइप ए बी एंड सी असाइन टू डू दिस जॉब। हाउ एवर सी लीव्स आफ्टर 4 डेज व्हेन 40% द जॉब वाज कंप्लीटेड। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने 4 दिन में 40% काम कंप्लीट कर दिया था। 4 दिन में काम कितना कंप्लीट हो गया अपना 40%। तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो 1 दिन में 10% काम होगा। 1 दिन में 10% काम होगा और 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये तीनों मिलकर 10 दिन में 100% काम कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आई, मतलब अपन तीनों को पता चल गया, अपन को ये पता चल गया कि ए बी सी मिलकर 10 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है कि इन दिस वे टेक्स 13 डेज टू फिनिश द जॉब। ठीक है, इस तरीके से कितने दिन लगे काम को कंप्लीट करने में, 13 दिन लगे। अच्छा, सी 4 दिन बाद छोड़ के गया तो बचे कितने दिन, बचे 9 दिन। 9 दिन काम किसने किया, ए और बी ने, ए प्लस बी ने किया। तो ए प्लस बी ने 9 दिन में कितना काम कर दिया, 60% काम। ठीक है, इसको अगर 3 से डिवाइड करें तो यहाँ से कितना जाएगा, 3 3 जाना है तो 3 2 60 20%। और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 डेज में ये कर सकता है 100% काम। ये बात सबको समझ में आई, मतलब ए और बी मिलकर 15 दिन में कितना काम कर देंगे, पूरा 100% काम कर देंगे। ठीक है, ये अब निकाल लेते हैं यहाँ से LCM और FNC वगैरह। ठीक है, तो अपन निकालते हैं पहले LCM। LCM क्या आएगा, LCM दोनों को मिला के जाएगा 30 10 3 30 15 2 30। अब देखिए एक और काम की बात, यहाँ से क्या आ रहा है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। और यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी प्लस सी की तीनों को मिला के 3 है। तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की हो गई 1। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल्सो बी कैन टाइप ट्वाइस एज फास्ट एज ए। अच्छा, अपन को एक चीज़ और दी है क्या, कि ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशो है वो 1:2 है। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो कितना दिया है, 1:2 दिया है। ठीक है, उसके बाद 1:2 दिया है और अपन को पता है दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है, 2 है। 2 सम है तो 2 से डिवाइड करते हैं किसको, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 3। 3 को डिवाइड करो, 3 को डिवाइड कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर ए से निकालना है तो ए का जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2/3। और अगर बी का निकालना है तो बी के उससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2 × 2 4/3। ये आ गई अपने पास एफिशिएंसी। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्या, कि हाउ मच वुड द फास्टेस्ट वर्कर टाइप टेक टाइप टू एंटायर द पेज अलोन। तो देखिए फास्टेस्ट इसमें से कौन है, फास्टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, ए की 1 से भी कम है, 2/3 1 से भी कम है, और बी की है 1 से भी ज़्यादा, मतलब फास्टेस्ट कौन हो जाएगा अपना, बी। तो बी कितनी देर में टाइप कर लेगा, 30 टाइप करना है उसको 4/3 की एफिशिएंसी से। ठीक है, ये कट जाएगा कितना, ये बचेगा क्या अपना 90/4, और जो कि 2 से कट जाएगा क्या बचेगा, 45/2। 40/2 अपन को पता है कितना होता है, 22.5। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना 22.5 डेज। ठीक है, 22.5 डेज।